सप्ताह के निर्णय का धन्यवाद आईएमए ने स्वागत किया है। आईएमए प्रदेश अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता अरुण वर्णवाल ने। जो डॉक्टर आईएमए के डॉक्टर प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एके सिंह हमारे साथ हैं, सर आज सरकार ने यह कदम उठा लिया है कि एक सप्ताह तक के लिए 22 तारीख से एक सप्ताह तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन झारखंड में भी, क्या मानते हैं आप चेन को ब्रेक करने में ये कितना सफल और कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया है। आईएमए भी उनको हमेशा संज्ञान में देते रहा है कि इस तरह का निर्णय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना पूरे राज्य में और उसमें लॉकडाउन करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। और आज मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, बहुत अच्छी बात है। और इससे अधिक से अधिक कोरोना का चेन टूटने का एक रास्ता निकल गया। हमारे चिकित्सक जो रात दिन सेवा में लगे हुए हैं उनको भी एक तरह से एक मौका मिला है कि चूँकि चेन टूटेगा और ये लोग अस्पताल में अपना हर तरह का जो कमी है उसको पूरी कर पाएंगे। सरकार भी जो कमी है, जैसे ऑक्सीजन की कमी आ रही है सुनने में और आपका दवा की कमी है, तो ये सब भी पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री को बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सही निर्णय लिया है। और हम लोग आईएमए का डिमांड भी था उनसे बार बार, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस बात की संज्ञान लिया। थोड़ा लेट हो गया, जो संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से भाग रही है, तो दो चार पाँच दिन या एक सप्ताह पहले इस तरह के निर्देश या कदम उठा लिए जाने चाहिए थे। देखिए, ऐसा हमेशा आदमी आशान्वित रहता है, आशा में रहता है कि सुधार होगा। सरकार अपने तरफ से तो पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो ये लॉकडाउन क्यों किया गया है? जब आप कुछ नहीं मान रहे हैं तो उनका आपको मनाने के लिए ज़बरदस्ती कि आप घर में रहें, निकले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, मास्क घर में पहने नहीं पहने दूसरी बात हो गई। तो इस तरह से अगर लोग माने होते बात तो आज ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं हुई होती। लोगों से आग्रह रहेगा कि छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं डरे, अपने जो निजी डॉक्टर हैं आपके पास उनसे कंसल्ट करें, नहीं जा पाते हैं तो फ़ोन से बात करके समझ लें। और हर जगह रश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले डॉक्टर ही बता देंगे कि आपकी क्या स्थिति है। खुद ऑक्सीजन देखने के लिए आजकल ऑक्सीमीटर हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ अपने आप को एसेस करना होगा। जो जिनको कोई जानकारी नहीं है उनके लिए तो दिक्कत ज़रूर है, लेकिन वो अगर सावधानी करें, घर में ही रहें, लॉकडाउन इसीलिए आपके लिए किया जा रहा है, मजबूरी में सरकार कर रही है। घर में ही रहें, अगर बहुत अधिक संक्रमण बढ़ता है तभी आप हॉस्पिटल में जाएं, अन्यथा घर पे ही रहकर अपना अपने आप को सतर्क रखें और इस बीमारी से बचाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अरुण। पहले